15 जनवरी सोमवार के दिन देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। कई स्थानों पर मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवसर पर खिचड़ी बनाने और खाने का विशेष महत्व है। ऐसे में आप मकर संक्रांति पर एक विशेष कार्य द्वारा मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपना चाल बदलते हैं और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस बार मकर संक्रांति बहुत शुभ रहने वाली है, क्योंकि मकर संक्रांति पर रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिसे ज्योतिष दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति पर आप अपने घर के मंदिर में श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय माना गया है। ऐसे में घर में श्री यंत्र स्थापित करने से साधक पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में श्री यंत्र की स्थापना करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही इस यंत्र की रोजाना पूजा से घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। इस तरह स्थापित करें श्री यंत्र। श्री यंत्र को साफ लाल कपड़े में रखकर पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद इसे घर के मंदिर में स्थापित करें और धूप दीप, फूल और भोग आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री यंत्र की आरती करें। आप चाहे तो तिजोरी या ऑफिस में भी श्री यंत्र को रख सकते हैं। घर में श्री यंत्र को स्थापित करने के कुछ नियम भी बताए गए हैं। श्री यंत्र स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह यंत्र बिल्कुल ठीक तरह से बना होना चाहिए, तभी इसके पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते हैं। वहीं उत्तर पूर्व दिशा में श्री यंत्र को स्थापित करना ज्यादा बेहतर माना जाता है।